Everyone, welcome once again to our YouTube channel Educational Hikes, the Duck and the Kangaroo, chapter number 6. This is Jordy's Fawn, class 8th ka poem hai ye. प्लस क्लास 9th में भी सेम टू सेम द डक एंड द कंगारू पोएम हमारी बिहाई बुक में है और चैप्टर सेम है तो एक्सप्लेनेशन भी सेम होगा. तो क्लास 8 9 दोनों के लिए है ये वीडियो. आप लोग पूरा अंत तक देखते रहिए, एक एक वर्ड एक एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. द डक एंड द कंगारू, ये चैप्टर एक बतख और एक कंगारू के बारे में है. देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या है. ओवरव्यू ये है कि टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं, एक है हमारा डक और एक है कंगारू. ठीक है, वो दोनों एक बहुत ही प्लेजर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी यात्रा पर जाना चाहते हैं जहां पर वो खूब मस्ती करें. द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल. कंगारू रेडी है कि वो अपने पूंछ पर बिठा के डक को ले जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम है. किस चीज से? केवल और केवल डक के गीले पैरों से, वेट फीट से. व्हाट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल. अब देखो डक ने क्या किया ताकि कंगारू कंफर्टेबल हो सके, उसे प्रॉब्लम ना हो वेट फीट से, ताकि वो लैंड में भी और सी में भी वो दोनों यात्रा कर सके, मौज कर सकें. तो इस बात को हम इस पोयम में जानेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को. सेट द डक टू द कंगारू. डक ने कंगारू से कहा कि गुड ग्रेसियस, ओ प्यारे, ओ दयालु, ओ धार्मिक व्यक्ति, हाउ यू हॉप. तुम कैसे दौड़ते हो, या तुम कैसे हॉप का मतलब होता है छलांग लगाते हो, कैसे कूदते हो तुम ओवर द फील्ड्स, खेतों में और पानियों में भी तुम, खेतों का मतलब जमीन पर भी तुम दौड़ लेते हो, कूद लेते हो, तुम पानी में भी दौड़ लेते हो, कूद लेते हो. एस इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम ऐसे भागते हो, छलांग लगाते हो जैसे कि तुम कभी रुकने वाले नहीं हो. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है इस घटिया से, इस गंदे से तालाब में. नेस्टी पॉन्ड का मतलब होता है गंदा तालाब. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है कि मैं बाहर ये दुनिया देखना चाहता हूँ. वर्ल्ड दुनिया, बियॉन्ड मतलब पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ मैं. आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि काश मैं आपकी तरह कूद सकता, छलांग लगा सकता. सेट द डक टू द कंगारू, और ये बात किसने कही? डक ने कही कंगारू से. तो इस पहले पैरा में हमने देखा डक कंगारू से कह रहा है कि वो धार्मिक व्यक्ति, वो दयालु कंगारू, तुम कैसे कूद लेते हो जमीन पर भी पानी पर भी, तुम ऐसे कूदते हो जैसे तुम कभी स्टॉप नहीं होगे, कभी रुकोगे नहीं. मेरी ज़िंदगी तो एकदम बोरिंग हो गई है इस घटिया से, इस गंदे से तालाब में, और मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरी दुनिया का भ्रमण करूं. और आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मैं चाहता हूं कि काश मैं तुम्हारी तरह छलांग लगा पाता. सेट द डक टू द कंगारू, किसने किससे कहा? डक ने कहा कंगारू से. अब फिर डक कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, अपने पीठ पर बिठा के मुझे क्या करो, सवारी करवाओ ना इस दुनिया की. सेट द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल क्या करूंगा, क्वैक क्वैक करता रहूंगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द होल ऑफ द लॉन्ग डे, दो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, केवल क्वैक क्वैक करता रहूंगा पूरे दिन, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. ठीक है, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम एक डी और जेली बोली नाम की जगह पर जाएंगे. अब डी और जेली बोली यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है. डी और जेली बोली राइमिंग स्कीम बैठाने के लिए, कि हमारा राइमिंग पढ़ने में थोड़ा सुरीला सा लगे, इसलिए डी और जेली बोली नाम रखा गया है. यहाँ पर इन दोनों का मतलब एक इमेजिनरी प्लेस है जो पोएट ने केवल राइमिंग बैठाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है. कहता है कि हम लोग जाएंगे डी और जेली बोली नामक जगह पर, हम जाएंगे ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, पूरे क्या बोलते हैं कि जमीन पर और समुद्र में भी हम घूमेंगे. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड, कृपया मुझे यात्रा पर ले चलो ना. ओ डू मतलब ओ कंगारू, ले चलो मुझे. सेट द डक टू द कंगारू, किसने कहा? डक ने कहा कंगारू से. अब कंगारू क्या कहता है डक से? कहता है कि दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, इसमें मुझे थोड़े से सोचने की ज़रूरत है. लिटिल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मुझे थोड़ा सोचने के टाइम दो. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कहता है कि हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर बैठा के यात्रा कराऊं इस दुनिया की, तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, लकी साबित हो सकता है, भाग्यशाली साबित हो सकता है. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? विच इज, वो दिक्कत ये है कि इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर
तुम मुझे फ्रैंकली बोलने दो, सीधे सीधे बोलने दो, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो तुम्हारे पैर हैं, यो फीट आर अनप्लीजेंटली वेट, वो बहुत ही गीले हैं और ठंडे हैं, एंड वुड प्रॉबली गिव मी, और मुझे दे देंगी या मुझे एक बीमारी दे देंगी, और बीमारी का क्या नाम था, द रूमटीज, मुझे ठंड मतलब कि सर्द जैसी एक बीमारी होती है, सर्द लग जाना, ठंड लग जाना, उसी को कहते हैं रूमटीज। कह रहा है कि और मुझे प्रॉबली निश्चित ही हमें रूमटीज हो जाएगा। कंगारू कौन कहता है, कंगारू कहता है डक से। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कंगारू ने डक से कहा है मुझे थोड़ा सा सोचने का समय दो, हो सकता है ये मेरे लिए लक भाग्य, मतलब मैं भाग्यशाली हो जाऊँ अगर मैं तुम्हें पीठ पर बैठा के तुम्हें यात्रा कराऊँ इस दुनिया की तो। लेकिन एक ही दिक्कत है, अगर तुम मुझे सीधे सीधे बोलने दो तो मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे पैर बहुत गीले हैं और ठंडे हैं, और निश्चित ही प्रॉबली गिव मी द रूमटीज, मुझे रूमटीज हो जाएगा, मुझे ठंड लग जाएगी, सेड द कंगारू। अब डक क्या कहता है, देखो डक ने व्यवस्था क्या किया है ठंड से बचने के लिए। कहता है कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पत्थरों पर बैठा था, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, मैं इस मैटर पर बहुत डीपली सोचा हूँ, और इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने खरीद लिया है, आई बॉट 4 pair ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, वॉस्टेड के मोजे, जैसे हम कहते हैं ना कश्मीरी सॉल, तो वैसे ही वॉस्टेड के मोजे, वॉस्टेड एक जगह है, ठीक है, तो एंड आई बॉट 4 pair, और मैंने 4 जोड़े मोजे खरीदे हैं, वॉस्टेड के सॉक्स हैं, ठीक है, मतलब वॉस्टेड जगह हैं और सॉक मोजे, विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे इस जो जालीदार पैर है, आप देखे होंगे जो डक होता है उनका पैर वेब फिटेड होता है, ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हो वेब फिट का मतलब क्या होता है, तो ऐसा होता है, और उस पैर में भी बहुत फिट होता था वो मोजा, तो वो मोजा डक ने खरीदा है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि और कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को भगाने के लिए आई हैव बॉट अ क्लोक, मैंने क्लॉक खरीदा है, क्लॉक का मतलब एक लंबा कपड़ा, ओवर कोट जैसा होता है, ठंड से लबेदा जिसे हम बोलते हैं ना, जो बहुत मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि पूरी बॉडी को कवर करने के लिए एक सिंगल ओवर कोट आता है, उसी को क्लॉक कहते हैं, जो बॉडी को गर्म रखता है। कह रहा है कि ठंड भगाने के लिए मैंने क्लॉक खरीदा है, और हर दिन हम क्या पियेंगे, सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, और ये सब मैं क्यों करूँगा, फॉर माई लव ऑफ अ कंगारू, ये जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए ओ डियर कंगारू, और इसी के लिए मैंने मोजे खरीदे हैं, मैं क्लॉक पहनूंगा ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, और सिगार भी पियेंगे हम रोज के रोज। अब कंगारू क्या कहता है, कहता है आई एम रेडी, सिगार का नाम सुनता है और कहता है मैं रेडी हूँ, ऑल इन द मून लाइट पैल, और जो चांद की हल्की हल्की मध्यम सी जो रोशनी आ रही थी, मून लाइट पैल मतलब हल्की हल्की जो रोशनी आ रही थी, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। अब कंगारू बोलता है मैं रेडी हूँ, मैं अब रात में हम लोग निकलते हैं जब चाँद की रोशनी मतलब कि चाँद की रोशनी में हम निकलेंगे यात्रा पर, लेकिन मेरा बैलेंस बना रहे इसलिए डियर डक तुम सीधे बैठना, सिट स्टेडी मतलब एकदम सीधे सीधे बैठना, हिलना डुलना मत, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम कहाँ बैठोगी, मेरे पूछ के एकदम अंतिम भाग पे, एकदम किनारे पूछ पे बैठोगी तुम हमारे। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड बाउंड, और इसी के साथ वो कूदते फांदते छलांग लगाते दौड़ते वहाँ से चले जाते हैं, होप एंड बाउंड का मतलब दौड़ना छलांग लगाना, ठीक है, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड, और उन्होंने पूरी दुनिया की एक दो बार नहीं बल्कि 3 times राउंड कर डाला, 3 बार चक्कर लगा डाला, एंड हु सो हैप्पी, अब बताओ ज़्यादा खुश कौन है, कौन हैप्पी है, डक है कि कंगारू है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो मेरे हिसाब से डक बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको केवल बैठना है, उसको ना कूदना है ना फांदना है, सिगार भी पीना है और केवल दुनिया के भ्रमण करना है, तो मेरे हिसाब से तो डक है, आपके हिसाब से कौन खुश है इस पोएम में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एडवर्ड लियर द्वारा ये पोएम लिखा गया था, आपके एनुअल एग्जाम में ज़रूर आना है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाइएगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।